हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक धमाकेदार कॉमिक्स शो स्टॉपर का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। क्रंच, जैसे ही डायनासोर्स का हमला शुरू हुआ, पुलिस फोर्स और रोबो की आर्मी शांत पड़ गई है। यानी मानसिक शक्ति का पूरा ध्यान डायनासोर्स को ही कंट्रोल करने पर केंद्रित है, जो कि मेरे लिए फायदेमंद है। भ्राम, यदि यह लोग मेरे अंतर्मन द्वारा उत्पन्न विचार मात्र है जिन्हें कोई दूसरी मानसिक शक्ति कंट्रोल कर रही है, तो मैं इन विचारों को स्वयं भी कंट्रोल कर सकता हूं। तू खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गया है ध्रुव। रोबो, नताशा, मेरी बात सुनो, व्यर्थ में एक दूसरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। यह शैतान की आंत इनकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसकी बातों में मत आइए पापा, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा लगता है इतने मानसिक दबाव के कारण मेरा मस्तिष्क फट जाएगा, लेकिन मुझे यह करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। नताशा, रोबो, तुम दोनों वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें आदेश दूंगा। नहीं, तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन नहीं हो, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। हाँ ध्रुव, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम तो दोस्त हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता, इस लड़के ने इनकी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कर ली। आप दोबारा डायनासोर्स को क्रियाशील करके इसे खत्म क्यों नहीं करवा देते? किसी भी विचार के एक बार नष्ट होने के बाद उसे दोबारा क्रियाशील करना मुमकिन नहीं है डॉक्टर। वैसे भी मैं अपनी काफी मानसिक ऊर्जा इन विशालकाय प्राणियों, रोबो की आर्मी और पुलिस फोर्स पर नष्ट कर चुका हूं। अब मुझे अपनी मानसिक ऊर्जा सिर्फ एक ही जगह केंद्रित करनी है। रोबो और नताशा गायब हो रहे हैं और साथ में हेलीकॉप्टर भी, जिसका मतलब है मैं कई सौ फीट की ऊंचाई से गिरने वाला हूं, और मेरी पहुंच के दायरे में ऐसी कोई चीज या इमारत नहीं है जिससे खुद को बचाया जा सके, सिवाय बिजली की इन तारों के। इनका प्रेशर मुझे स्प्रिंग की तरह उछाल देगा और मैं अपने शरीर को मिली इस अतिरिक्त गति को दिशा देकर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाऊंगा। अब मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा जुपिटर सर्कस। यहां इतना अंधेरा क्यों है? आओ ध्रुव, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी इस आखिरी रात के लिए, सुपर कमांडो ध्रुव की मौत की रात। उफ, मानसिक शक्ति मेरे अपनों को ही मेरा दुश्मन बना रही है, और इस बार मुझे इतना समय नहीं मिल रहा कि मैं इन्हें कंट्रोल कर सकूं। त्राक, वैसे भी मैं इन लोगों पर हाथ नहीं उठा सकता, यह जानते हुए भी कि यह वास्तविकता ना होकर मेरी ही कल्पनाएं हैं। आओ बच्चे, काफी समय बीत गया हम लोगों को एक दूसरे से कुश्ती लड़े हुए, क्यों ना आज दो दो हाथ हो जाए। कल्पनाओं में भी कोई भला अपने माता पिता और गुरुओं को दर्द पहुंचा सकता है? नहीं, और वह मानसिक शक्ति इसी बात का फायदा उठा रही है। लेकिन इस फाइट के खास नियम है, तुझे सिर्फ इस गोल घेरे के भीतर ही मेरा मुकाबला करना है। तड़ाक, यदि लड़ाई के दौरान तेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा इस घेरे से बाहर निकला तो निशानेबाज सुलेमान और छुरेबाज जंजन तुझे अपना निशाना बनाएंगे। ताए, भक, और तू जानता है ध्रुव कि इन दोनों का निशाना कभी नहीं चूकता। अब मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन मैं हरक्यूलस पर वार नहीं करूंगा, बल्कि उनके वारों को चकाते हुए ठीक उनके करीब पहुंच जाऊंगा। अब तू गया ध्रुव, क्योंकि मैं जानता हूं कि गुस्से में भी बिफरते हरक्यूलिस हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को हवा में उठाकर दूर फेंकते हैं। जैसे ही हरक्यूलिस मुझे फेंकेंगे, रंजन और सुलेमान मुझ पर निशाना लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ही मुझे अपने शरीर को एक खास कोण पर मोड़कर इस सस्पेंशन केबल तक पहुंचना है। सुलेमान की गोली मेरे बजाय इस सस्पेंशन केबल के निचले सिरे से टकराएगी, जो कि रिंग को संभाले हुए है, और यह सस्पेंशन केबल मुझे ऐव सावधान पवन तक पहुंचा देगी। सॉरी पवन, मैं आपकी बाइक उधार ले रहा हूं, पकड़ो इसे, यहां से बाहर न जाने पाए। तू बहुत शातिर खिलाड़ी है ध्रुव, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन मत भूल कि हम तेरे माँ बाप हैं। धड़ाक। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि खेल के किसी भी पहलू को अनदेखा नहीं करना चाहिए। धड़ाम। वरना अंजाम हार ही होता है। धाड़। और हारे हुए खिलाड़ी की सिर्फ एक ही सजा होती है। ताड़। सजाए मौत। ग्रर। हुफ। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, दिमाग भी सुन पड़ रहा है। पता नहीं मेरी जान दम घुटने से निकलेगी या आरी से कटकर। आ खचाक। कम ऑन ब्लैक कैट, इन सी ग्रेड विलन्स के हाथों मारी जाए, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं तेरे। बिल्ली की ओर कभी बुरी नजर मत डालो, वरना वह आंखें निकाल लेती है। ठीक ऐसे खचाक। यह सभी नीम पागल है। जल्लू के दोस्त को मारा, जल्लू जलाकर राख कर देगा। नहीं रुको, अस्थिमार को इसकी हड्डियां चाहिए। फंदर के फंदे पर फांसी झूलेगी है। और पागल अपने दिमाग का प्रयोग इस तरह एकजुट नहीं होकर नहीं कर सकते। यानी इन सब का दिमाग भी उसी शैतान के कब्जे में है। शायद यह आग इन पागलों के दिमाग को आजाद करा सकती है। फर्राश। इनको संचालित करने वाली मानसिक शक्ति इन्हें मेरा आदेश मानने से रोक रही है। ग्र घुर घुर घुर। लेकिन मुझ पर वार करने में इनकी झिझक इस बात का प्रमाण है कि मेरे आदेश इन्हें भ्रमित कर रहे हैं। मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा। मुझे सिर्फ जुपिटर सर्कस के इस बब्बर शेर किंग पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। हा। ध्रुव को जन्म देने वाला जुपिटर सर्कस ही आज ध्रुव को मौत देने वाला है। जाओ मेरे साथियों, इस लड़के को खत्म करने में किंग की मदद करो। जंगल की तरह सर्कस में भी बब्बर शेर ही सभी जानवरों का राजा होता है। किंग जुपिटर सर्कस के सभी जानवरों का अगुआ है। ग्र ग्र ग्र। अपने सभी साथियों को आदेश दो किंग कि वो सर्कस को तहस नहस कर दे, लेकिन किसी भी कलाकार पर हमला ना करे। ओह, इस लड़के ने किंग के दिमाग को अपने कब्जे में ले लिया है। ग्र कड़ाक। पीछा करो उसका, बचकर जाएगा कहाँ? उसकी जड़ें तो इसी सर्कस से जुड़ी हुई है। बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज एक साथ क्रैश हो रही है। मेरी मानसिक ऊर्जा जरूरत से ज्यादा खर्च। यह तो ब्लैक कैट है। ध्रुव के साथ ये भी मुझसे पहले टकरा चुकी है। यह यहाँ कैसे आ गई? इसे संभालो डॉक्टर, मेरा ध्रुव की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। धड़ाक। आप फिक्र ना करें, मैं इसे देखता हूँ। रीचा मुझे सर्कस क्यों लाना लाना चाहती थी? यह मुझे अब समझ में आया। मुझे बेहोश करने के लिए रीचा ने मुझ पर किसी चीज से वार किया था। इस आपाधापी में इस चीज की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। यह मेरे जुपिटर सर्कस परिवार की सच्ची याद है। तू अब जुपिटर सर्कस की यादों का ही हिस्सा बनने वाला है ध्रुव, क्योंकि जो मर जाते हैं वे सिर्फ यादों में ही रहते हैं। नहीं माँ, आप, पिताजी और मेरे जुपिटर सर्कस के सभी साथी मेरी यादों में ही नहीं, मेरी जिंदगी के हर पल में, मेरे जिस्म में बहते लहू के हर कतरे में मेरे साथ रहते हैं। आपने सही कहा था माँ, मेरे जीवन के किसी भी पल में आप लोग कभी मुझसे दूर नहीं गए। आज मेरी भावनाओं पर मेरा अंतर्मन हावी नहीं है, पिताजी, और मुझे पता है कि आप भी अपनी भावनाओं पर किसी भी बाहरी शक्ति को हावी नहीं होने देंगे। हम ते जहां। नहीं, यह नहीं हो सकता। सारी फ्रिक्वेंसी सीज क्रैश हो रही है। कुछ करो डॉक्टर। सॉरी बॉक्सी, डॉक्टर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह पिटने में व्यस्त है। मेरे आगाह करने पर भी ये तुम्हारी मुंह दिखाई जो नहीं करा रहा। धाड़। क्रैश हो गई, सभी फ्रिक्वेंसीज क्रैश हो गई। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। हम तुम्हारे साथ हैं ध्रुव, और सदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। माँ, पिताजी, अस्थि मार को लड़की की हड्डियां चाहिए। शाबाश अस्थि मार, सही समय पर आया है तू। समय तो अब हम सबका खराब होने वाला है डॉक्टर, क्योंकि ध्रुव वापस आ रहा है। इसका दिमाग अभी भी पूरी तरह जागृत नहीं है। इसे
वस्तु स्थिति समझने में जितना समय लगेगा उतना समय इसे काबू करने के लिए काफी है। पकड़ ले छोकरे को जल्लू। कौन हो तुम? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं ध्रुव? पहचानोगे भी कैसे, काफी साल बीत गए हमारा आमना सामना हुए। वैसे भी मेरा फाइनेंसर वाला गेटअप कुछ खास नहीं था, डॉक्टर मेंटलिस्ट विलन के रूप में ज्यादा सूट करता है। क्या कहते हो ध्रुव? डॉक्टर शास्त्री, इन पागल कातिलों को देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि इनके पीछे तुम्हारा हाथ है। डॉक्टर शास्त्री के बारे में जानने के लिए पड़े पागल कातिलों की टोली, पर तुम तो खुद पागल खाने में थे, ठीक होकर बाहर कैसे निकले? मैंने इसके दिमाग को कब्जे में लेकर इसे ठीक किया है ध्रुव, मुझे बाहर निकालो डॉक्टर, इस लड़के से आमने सामने होने का वक्त आ गया है। हा हा हा, तूने मुझे पहचान लिया ध्रुव? स्टारफिश, मरकरी सर्कस में तूने मेरी ठंड बर्दाश्त ना कर पाने की कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे हरा दिया था। सर्कस वालों ने मुझे मरा समझ लिया। आयप्पा और रंगा राजन कोई खतरा नहीं उठाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर मुझे समुद्र में फेंकवा दिया। बस यही गलती कर गए वे मूर्ख। मैंने अपनी एकल कोशिका से अपना शरीर पुनः बना लिया। स्टारफिश के बारे में जानने के लिए पढ़े सर्कस, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। यह छोटा शरीर मेरे लिए अधिक उपयोगी है, तुझसे टकराकर मेरी क्षीण मानसिक शक्तियां किसी आम आदमी को सम्मोहित करने लायक भी नहीं बची थी, पर पागलों का दिमाग मैं अब भी कंट्रोल कर सकता था। किस्मत ने मुझे उसी पागल खाने पहुंचाया जहां शास्त्री भर्ती था। मैंने इसका मस्तिष्क अपने कब्जे में ले लिया। मैंने अपनी शक्तियों की मदद से शास्त्री को पागल खाने से भगाया ताकि यह तुझ तक पहुंचने में मेरी मदद कर सके। आखिर मेरी खोई मानसिक शक्तियां तेरी मानसिक ऊर्जा से ही तो वापस आनी थी। अंतर्मन की अतृप्त इच्छाएं मानवों को स्वप्न के रूप में दिखने वाली फ्रिक्वेंसीज होती है ध्रुव, यही तरंगे मानसिक ऊर्जा संचालित करने वाला खजाना है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रप्टर इन्हीं फ्रिक्वेंसीज को मानसिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर मेरी शक्तियां बढ़ाता है। पागल खाने से भागते वक्त डॉक्टर अपनी नई पागल कातिलों की टोली को भी अपने साथ ले आया था। डॉक्टर ने तेरी कमांडो फोर्स को सूचना पहुंचाई कि इस वेयर हाउस में नशीले पदार्थों का बड़ा जखीरा स्मगल होकर आया है। यहां वेयर हाउस में जब तू इन पागलों से लड़ रहा था तब तुझ पर पीछे से वार करके डॉक्टर ने तुझे बेहोश कर दिया। दूसरी मुसीबत उस रीचा ने खड़ी कर दी। डिसरप्टर से हम दोनों के दिमाग जुड़ते ही मैंने तेरी अतृप्त इच्छाएं जान ली। तू स्वप्न में अपनी अतृप्त इच्छाएं पूर्ण करता रहा और मैं तेरी ऊर्जा सोख कर अपनी शक्तियां बढ़ाता गया, परंतु तेरे सुप्त मस्तिष्क के ने जुबिस्कों के जरिए तुझे यथार्थ में ना होने का एहसास करा दिया। दूसरी मुसीबत उस ऋचा ने खड़ी कर दी जिसे तेरे दिमाग ने क्रियान्वित नहीं किया था, क्योंकि तेरे मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न हर किरदार की अलग फ्रिक्वेंसी थी परंतु ऋचा की नहीं। यानी उसे तेरी इस स्थिति का पता था और उसका तुझे भावनात्मक जुड़ाव इतना अधिक था कि वह अपने विचार तेरे सुप्त मस्तिष्क में संप्रेषित कर सके, पर तब तक तेरी ऊर्जा मुझे तेरे दिमाग की फ्रिक्वेंसीज कंट्रोल करने जितनी शक्ति प्रदान कर चुकी थी। पर मैं नहीं जानता था कि रीचा स्वप्न में तुझे मेरी बर्बादी का सामान सौंप गई है। तेरी मानसिक ऊर्जा से मुझे इंसानों को दोबारा गुलाम बनाने की शक्तियां मिल चुकी है। जल्लू, अस्थि मार, खत्म कर दो इन दोनों को। सस्पेंस खोलने के लिए थैंक्स, लेकिन अफसोस तेरे पिटे हुए प्यादे इस लायक नहीं कि तेरे ऑर्डर्स फॉलो कर सकें। नहीं, यह आग मुझे खत्म कर देगी, मुझे बचा डॉक्टर, इस पागल को मेरे ऊपर से हटा। शरीर में जंगे जंगे धसे एक्वेरियम के कांच और दिमाग से हटे स्टारफिश के कंट्रोल ने जल्लू के पागलपन को
चरम पर पहुंचा दिया है। बैड न्यूज ध्रुव, मैंने वेयर हाउस में क्रूड ऑयल के कंटेनर्स रखे देखे हैं। आग कंटेनर्स तक पहुंच गई है ब्लैक कैट। अब सिर्फ इतना ही समय बचा है कि हम खुद को बचा सकें। काबूम, हुम्फ, बाल बाल बचे, पर अफसोस हम डॉक्टर या किसी पागल को नहीं बचा सके। जैसी करनी वैसी भरनी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। वैसे तुम यहाँ कैसे पहुँच गई ब्लैक कैट? ब्लैक कैट अपने कान और दिमाग खुले रखती है। फिर मिलेंगे ध्रुव। वो 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 जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा। जब पहली बार तुमने मुझे यह म्यूजिकल बॉक्स दिखाया था, तभी से यह मेरे दिलो दिमाग में बस गया था। जब मैं तुम्हारे सपने में आई, तब इसके विचार को अपने साथ लेती आई और तुम्हें सौंप दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि यही वह चीज है जो तुम्हें अपने विचारों से जीतने में मदद कर सकती है। मेरे 14वें जन्मदिन पर माँ पिताजी और जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों ने मुझे यह तोहफा दिया था। इसमें उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और उनकी यादें हैं रीचा। वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जुपिटर सर्कस में जो भी हुआ, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सका रीचा। यदि उस रात मैंने आवेश में आकर जुबिस्को को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय सर्कस वासियों को बचाने की कोशिश की होती, तो शायद मेरी अंतर मन की इच्छाएं आज यथार्थ में मेरे साथ मौजूद होती। मेरे दिल ने हमेशा अपनी उस भूल को सुधारने का एक मौका चाहा था, एक मौका अपने परिवार को बचाने का, एक मौका सुपर कमांडो ध्रुव, नहीं शो स्टॉपर ध्रुव बनकर जीने का। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे अपनों का शो स्टॉपर ध्रुव से ज्यादा गर्व सुपर कमांडो ध्रुव पर होता। ध्रुव, थैंक्स रिचा, पर तुम मुझे बचाने मेरे सपने में कैसे आ गई? अब यह सच तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती ध्रुव, कि ब्लैक कैट के रूप में मैं शुरू से तुम्हारे पीछे लगी हुई थी। मैंने तुम्हारे स्टार ट्रांसमीटर पर एक छोटा सा डिवाइस लगाया है ध्रुव, जो तुम्हारी पल प्रतिपल की खबर मुझे देता है। जब स्टारफिश तुम्हारी मानसिक ऊर्जा चुरा रहा था, मुझे उसका प्लान पता चल गया और मैंने योग निद्रा से अपना विचार तुम्हारे सपने में संप्रेषित कर दिया। लेकिन स्टारफिश के अनुसार ऐसा तभी संभव है जब दो लोगों का एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बहुत गहरा संबंध हो। इस सवाल का मेरे हिस्से का जवाब तुम जानते हो, और अपने हिस्से का जवाब अपने अंतर्मन से पूछ लो। बाय ध्रुव। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहां। अरे गोलू, तुझे ये स्टारफिश कहां से मिली? यह तो घायल है, प्यारी है ना, अब से यह मेरे साथ रहेगी। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। उनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं, आज वो हर किसी से छीनना चाहते हैं उनके अपने, क्योंकि वो है स्पेशल्स। राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का स्पेशल विशेषांक। समय और काल से परे दो समान शक्ति वाले महायोद्धाओं के टकराव की कहानी, जो कि भूत और भविष्य दोनों को ही बदल देगी। इस टकराव में हारने वाला सदा के लिए अनंत समय गंगा में विलीन हो जाएगा और जीतने वाला कहलाएगा तक्षक। नरकनाशक नागराज की मिस्र सभ्यता के सर्वशक्तिमान फराओ से टकराव की अभूतपूर्व गाथा। यह कॉमिक चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। इन कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो कॉमिक्स अपलोडेड है उन कॉमिक्स को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।